आज हम बनाएंगे गणपति बाबा के लिए शाही चूरमा लड्डू, और ये हम बनाएंगे रवा से। आप देख सकते हो लड्डू बहुत ही बढ़िया तैयार हुए, तो इसे हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे ताकि आपको एकदम बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले शाही चूरमा लड्डू बनाने के लिए हम इसका आटा लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 कप रवा लिया है, ये मैंने बारीक वाला रवा लिया है, आप चाहो तो सोजी भी ले सकते हो। अब इसमें मोइन के लिए घी मिलाएंगे, घी को मैंने गर्म कर लिया है और ये 1/4 कप घी है। पहले हम रवा और घी को अच्छे से मिला लेंगे। गेहूं काटे के चूरमा के लड्डू की रेसिपी मैंने पहले ही पोस्ट की थी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो आप जरूर देखिएगा। इसमें हमने जो मोइन मिलाया है वो मुट्ठी बने उतना मोइन नहीं मिलाना है, रवा के जो चूरमू लड्डे हैं वैसे भी बहुत ही बढ़िया बनते हैं और बाद में भी इसमें हम घी डालेंगे। तो सब कुछ मिला लेना है, आटा हल्का सा गीला लगना चाहिए। अभी आटा लगाने के लिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाएंगे। ये जो आटा है वो हमें सख्त लगाना है, और दूध जो मैंने लिया है वो हल्का सा गुनगुना लिया है। दूध की जगह पे आप पानी लेके भी आटा लगा सकते हो। यहाँ पर आपको खास ध्यान देना है कि आटा जो है बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो आटा लग गया है और एकदम सख्त आटा मैंने लगाया है। इसे अभी ढक के हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट देना जरूरी है, रेस्ट देने से आटा जो है यानी कि जो रवा है वो दूध को और एब्जॉर्ब करेगा और ये और भी ज्यादा सख्त हो जाएगा। अभी आटे को मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है। अब इसमें से छोटी छोटी लुइया बनानी है और उसकी हम मीडियम थिक पूरी बेल लेंगे। बिल्कुल इस प्रकार की पूरी बेलनी है, इसे मैंने मीडियम थिक रखा है, और बेलन के जो पिछले हिस्से है उससे हम इसमें छेद कर देंगे। तो इस प्रकार की सभी पूरियां तैयार कर लेनी है। आज जो हम चूरमा के लड्डू बना रहे हैं वो बिल्कुल फ्राई किए बिना बनाएंगे, हम इसे सैलो फ्राई करेंगे, तो ये हेल्दी भी बनेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेंगे। आप चाहो तो इसे फ्राई करके भी बना सकते हो। अगर आप फ्राई करके बनाने वाले हो तो उंगलियों को आपको इस प्रकार दबा के शेप दे देना है और इसे फिर आपको बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई कर लेना है। लेकिन आज हम पूरियां बना के करेंगे, तो बाकी की सभी पूरी हम बेल लेंगे। अभी पूरियों को मैंने बेल लिया है, इसे हम सैलो फ्राई करेंगे। तवे पे 1 टीस्पून घी लेना है, आप चाहो तो इसी पूरी को फ्राई करके भी बना सकते हो। एक ही साथ में हम 3 से 4 पूरी को सेल्फ फ्राई कर लेंगे और इसे हम मीडियम आंच पे करेंगे ताकि एकदम करारी हो जाए। अभी एक साइड ये हो गए होंगे, इसे हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हो इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया कलर आया है। दूसरी ओर भी इसे हम मीडियम आंच पे अच्छे से सेक लेंगे, और जब भी आप इसे सेकते हो हल्का सा इसे दबाते जाना है ताकि एकदम क्रिस्पी बनेंगी। जब हमने आटा लगाया था उस समय हमने मोइन के लिए घी थोड़ा कम मिलाया था, क्योंकि जब इसे हम सेकेंगे तो ये जो पूरिया है वो भी थोड़ा घी एब्जॉर्ब करेगी। अभी आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से सिक गई है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार हम सारी पूरी को सेलो फ्राई कर लेंगे। अभी सभी पूरियों को हमने सेलो फ्राई कर लिया है और ये ठंडी हो गई है, तो इसे इस प्रकार तोड़ लेंगे। आप देख सकते हो ये एकदम करारी बनी है। अब इसे हमने तोड़ लिया है, अब इसे हम मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। इसे बिल्कुल बारीक नहीं करना है, हल्का से इसे हम दरदरा रखेंगे। ये देखिए इसे मैंने एकदम बढ़िया पीस लिया है, और जो चूरमू है एकदम बढ़िया दानेदार तैयार हुआ है। अभी हम लड्डू बनाने के लिए आगे की प्रोसेस करेंगे। अभी सबसे पहले पैन में 1 टीस्पून घी लेना है। अब इसमें कटे हुए बादाम मिलाएंगे, ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, साथ ही में पिस्ता को भी मैंने काट के रखा है, ये हम 1 टेबलस्पून जितना डालेंगे, और इसी के साथ 1 टेबलस्पून किशमिश है वो डाल देंगे। इसे हम घी में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, आप चाहो तो इसमें काजू भी डाल सकते हो। जब ये हल्के से भुन जाए तब इसमें हम 1 टीस्पून खसखस मिलाएंगे, इसे भी भून लेना है। आप चाहो तो इसमें सफ़ेद तिल या सूखा नारियल भी मिला सकते हो। अभी इसे मैंने भून लिया है, इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अभी उसी पैन में फिर से हम थोड़ा घी लेंगे, तो यहाँ पर फिर से मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है। टोटल ये रेसिपी में मुझे 1 कप जितना घी लगा है, 1/4 कप घी हमने मोइन में डाला था, बाकी का जो घी है वो हमने जो पूरियाँ बेली थी उसको सेकने में डाला था, और बाकी का जो घी है हमने यहीं पे डाला है। इसी के साथ इसमें हम गुड़ मिलाएंगे, गुड़ को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अभी मैंने 1.5 कप गुड़ लिया है। ये जो लड्डू है वो आप चीनी से भी बना सकते हो, लेकिन गुड़ से बने लड्डू का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। गैस की आंच को बिल्कुल धीमा रखेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाना है। तो यहाँ पे आपको गुड़ को काट के या फिर कद्दूकस करके ही लेना है। अगर आप बड़े बड़े टुकड़े लगे तो इसे मेल्ट होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, लड्डू जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे।
गुड़ की जो क्वांटिटी है वो आप अपनी पसंद होने से कम या ज्यादा कर सकते हो। अगर आप थोड़ा मीठा खाते हो तो थोड़ा और ज्यादा भी बढ़ा सकते हो। अभी गुड़ ऑलमोस्ट पिघल गए, हल्के से मुझे कहीं पे इसके टुकड़े दिख रहे हैं, लेकिन गैस की आंच को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि जो पैन की गर्मी है उसी से बाकी का जो गुड़ है वो मेल्ट हो जाएगा। अभी गुड़ मेल्ट हो गए, हमने जो चूरमा बनाया था और उसके बाद बादाम किशमिश को हमने रोस्ट करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। और अभी खास ध्यान रहे, अभी गैस की आंच को हमें बिल्कुल भी चालू नहीं करना है। केसर वाला दूध है वो डाल देंगे, 1 टीस्पून मैंने गर्म दूध लिया था उसमें केसर डाल दिया है। इसी के साथ 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर मिलाएंगे, 1/2 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर मिलाएंगे। तुरंत ही सब कुछ मिला लेना है। ये प्रोसेस आपको थोड़ी जल्दी करनी है, गुड़ को आपको तुरंत ही अच्छे से मिला लेना है। अभी सब कुछ हम हाथों से ही मिला लेंगे। खास ध्यान रखना है कि ये जो मिश्रण है वो काफी गर्म होगा, तो ये आपको थोड़ा केयरफुली करना है। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से लड्डू बन गए हैं, इसमें हमें कोई भी बाइंडिंग की अभी जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये मेजरमेंट फॉलो करोगे तो लड्डू एकदम बेस्ट ही बनेंगे। अभी एक प्लेट में हम कटे हुए पीस डालेंगे, साथ ही में सूखे गुलाब की पत्ती है वो डाल देंगे और इसी के साथ खसखस डालेंगे। अभी हमने जो लड्डू तैयार करके रखा है उसे इसमें रोल करेंगे। ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है, इससे लड्डू का जो लुक है वो बहुत ही बढ़िया आता है। ये देखिए एकदम बढ़िया लड्डू तैयार है। इसी प्रकार हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हो सभी लड्डू को मैंने तैयार कर लिया है और एकदम बढ़िया बने हैं। तो ये मेजरमेंट फॉलो करके आप लड्डू घर पे जरूर बनाएगा, आपको एकदम बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे जो मैंने मेजरमेंट बताया उससे आपके 10 से 12 लड्डू बनेंगे। लड्डू की ये रेसिपी आप घर पे जरूर ट्राई करना। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। और एक मस्त रेसिपी के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।